नमस्ते दोस्तों। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और लास्ट 15 दिन में अगर देखा जाएगा तो स्थिति और बिगड़ रही है और जहाँ तक मुझे मालूम है कि आने वाले दिन और अच्छे नहीं होंगे। मैं लाइव आप लोगों के सामने इसलिए आया कि आप लोग सब लोग का हर तरह से आप लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के मदद की और एक आम इंसान जो कि मैं एक आम इंसान हूँ को ऑक्सीजन मैन बनाया, इसके लिए मैं आप लोग सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ अभी 3 विषय के लिए आया हूँ। आज जो सिचुएशन है, मेरा कहना है कि बिल्कुल बच के रहिए। मेरी अपनी बहन आई एम नॉट इंटरेस्टेड बॉस, सॉरी। नहीं हम नहीं आना चाहते हैं। देर इज नो नीड। हम अपने बल पे कर रहे हैं ना बॉस, हम सत्ता से लड़ के कर रहे हैं, है ना। नहीं नहीं सर, आई एम वेरी सॉरी। नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए। हाँ तो मैं बता रहा था कि बहुत डरने की जरूरत है एक तरह से, लेकिन ऐसे जमाखोरी पे उतर गए हैं। मेरा सिलेंडर, हमारे पास करीब 140 सिलेंडर है जो कि लगा हुआ है। आज सुबह से मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, सिलेंडर मेरे पास वापस आया है, जिसको धोना और फिर लगाना, ये काम हमको करना है। तो इसलिए मेरा एक सलाह मानिए, मास्क कृपया लगाइए। मैं यहाँ रूम में अकेला हूँ इसलिए मैं मास्क नहीं लगाया हूँ, लेकिन मैं दूसरे को पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन मास्क लगाइए। बचने की जो फिट रहेगा वही बचेगा। सरकार की बात कुछ नहीं है, एक छोटा सा ऑक्सीफ्लोमीटर आता है, एक फ्लोमीटर लाऊं वहां से ऐसे डबल हो ना, एक छोटा सा फ्लोमीटर आता है, वो ये फ्लोमीटर कहलाता है, ये उपलब्ध नहीं है बाजार में। अब इससे ज्यादा क्या क्या कहा जा सकता है कि एक फ्लोमीटर नहीं है, एक पाइप नहीं है, नाक में पाइप लगाने की पाइप नहीं है। हमारे लड़के, मैं खुद 2 दिन से घूम रहा हूं फ्लोमीटर खरीदने के लिए, सिलेंडर्स लोग नहीं लौटा रहे हैं। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि कृपया आप लोग, परेशान होने की बात है लेकिन परेशान नहीं हूं, कहीं ना कहीं से आपका भाई समझिए, छोटा भाई समझिए, बड़ा भाई समझिए, गार्जियन समझिए। मेरे मन की पीड़ा है, सिलेंडर वापस नहीं हो पा रहा है और इसके चलते काफी ज्यादा 90-92 रहता है, वो भी फोन करते हैं कि मेरा दिक्कत हो रहा है। अभी जितना बच सके खराब है और बचने में ही भलाई है। सिलेंडर हम एक आम इंसान है, फिर भी मेरी कोशिश थी कि इस स्टेज में अभी तक 1400-1500 लोगों को मैं सिलेंडर मुहैया करा चुका हूं, लेकिन सरकार के विपरीत जाने पे भी एक डर रहता है, एक अज्ञात भय रहता है कि कहां दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं आदमी के लिए काम आना चाहता हूं। और मेरा एक ही चीज कहना है कि भय का वातावरण मत बनाइए, पब्लिक जमाखोरी मत कीजिए। मेरा एक सिलेंडर 5 जगह चल के, 6 जगह चल के, 7वें जगह, मुझे यही चीज कहना है कि ऐसा नहीं कीजिए, प्लीज सिलेंडर को वापस कीजिए। मैं आपके मार्फत से, जो लोग हैं वो लोग देख रहे होंगे, मार्फत से सिलेंडर को प्लीज 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 वापस कीजिए। डर का वातावरण नहीं बनाइए, जमाखोरी मत कीजिए। दवा की बात आती है तो लोग लगातार दवा ले लेते हैं, दवा के अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर खांसी है, सर्दी है, बुखार है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है तो घर में होम आइसोलेशन में रहिए। अगर दिक्कत हो रही है तो अपने सीटी स्कैन को करवाइए। 2-4 जगह नहीं, कम से कम 25-50 केस मैंने ऐसा देखा है, खुद मेरे घर पे बीत रही है, कि सिलेंडर की ऑक्सीजन लेवल ठीक था लेकिन इसका इलाज नहीं है कोई, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी जो भी डॉक्टर कर रहे हैं उन डॉक्टरों को सहयोग कीजिए। वो भी हमारे सिस्टम के पार्ट हैं। हम लोग किसी को, बुरा समय है, टल जाएगा। धन्यवाद।